हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। और जैसे कि मेरे हाथ में देख सकती है, ये जो Redmi Note 9 है, और यार इसके अंदर जो MIUI 12.5 विद Android 11 अपडेट जो है मिलना स्टार्ट हो चुका था, बट काफ़ी लोगों को नहीं मिला था। तो गाइज फाइनली यहाँ पर जो देख सकते पब्लिक रोल आउट है ना, यहाँ पर जो होना स्टार्ट हो चुका है। देख सकते यहाँ पर मुझे जो है अपडेट अभी जस्ट थोड़ी देर पहले रिसीव हो चुका है। वैसे गाइज मैंने ऑलरेडी अपडेट किया था, बट आप लोगों के काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई अपडेट नहीं मिला, कब तक मिलेगा। तो इसके लिए जो मैंने जो अपने फ़ोन को डाउनग्रेड कर दिया था, और डाउनग्रेड करने के बाद मैंने जो अपना मी अकाउंट भी यहां से रिमूव किया था। देख सकते हैं यहां पर मी अकाउंट के अंदर कोई भी मेरा यहां पर मी अकाउंट लॉग इन नहीं है। मैंने जो लॉग आउट सब कुछ किया है, बिकॉज यार काफी लोग बोलेंगे कि भाई तेरा मी अकाउंट जो बीटा ऑथराइज अकाउंट होगा इसलिए तेरे को अपडेट मिला होगा। तो यहां पर देख सकते मेरा कोई भी यहां पर अकाउंट नहीं है, और ना ही मैं बीटा के लिए कोई भी ज्वाइन हुआ था, और ना ही मेरे फोन के अंदर जो है यहां पर कोई भी अकाउंट नहीं है। बट यहां पर अपडेट तो मिल चुका है गाइज। अगर आप लोगों को ये अपडेट नहीं मिला होगा तो भी आप लोग इसे अपडेट कर सकते हैं। आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को MIUI 12 के लोगों के ऊपर जो 5-6 बारी टैप करके आप जो डायरेक्टली रिकवरी रोम से अब जो अपडेट कर सकते हैं, बिकॉज ये जो पब्लिक रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है इसके वजह से। तो मेरे पास देख सकते हैं यहाँ पर जो है अपडेट तो आ चुका है, बट मैं जो यहाँ पर चूज अपडेट पैकेज से करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने जो फाइल डाउनलोड करके रखी है। तो ये मैं जो 2.1 GB फिर से जो यहाँ पर जो वेस्ट नहीं करूँगा अपना। तो जाता हूँ यहाँ पर चूज अपडेट पैकेज के अंदर, और यहाँ पर जाकर यहाँ पर जो फाइल को सिलेक्ट करके आपके सामने यहाँ पर देख सकते रिट्रीविंग इन्फो यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर चेक होगी फाइल, एंड देन आपके सामने यहाँ पर जो भी होगा वो आपके सामने होने वाला है। तो जिससे कि आप लोगों को पता चलेगा कि भाई अपडेट जो है आ चुका है, पब्लिक रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है आप लोगों को। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर जो सक्सेसफुली हमारा फाइल जो इसने डिटेक्ट कर लिया है, यूअर डिवाइस विल बी रिबूट ऑटोमेटिकली टू अपडेट टू MIUI वर्जन। यहाँ पर कुछ लिखा है 12.5.1.0 विथ एंड्रॉयड 11, यानी कि यार यहाँ पर जो सक्सेसफुली अपडेट आप जो कर सकते हैं। तो मैं जो इसके ऊपर जो क्लिक कर देता हूँ रिबूट एंड अपडेट के ऊपर, तो ये जो डिक्रिप्ट होना स्टार्ट हो चुका है। तो आप जो इस मेथड से अपने फ़ोन को जो यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं सक्सेसफुली, आपको कोई भी टेंशन यहाँ पर लेने की बात नहीं है। और काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भाई अपडेट नहीं हो रहा, लेकिन अब जो आप ट्राई कर सकते आपको डेफिनेटली यहाँ पर आपका अपडेट हो जाएगा। रिकवरी आप जो फुल रॉम डाउनलोड करके इस अपडेट को कर सकते हैं चूज अपडेट पैकेज से, जैसे मैंने दिखाया। तो यहाँ पर जो थोड़ी देर वेट करना है, ये फाइल डिक्रिप्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपको चार्जिंग जो अपनी ध्यान रखना है, चार्जिंग जो आपकी यहाँ पर जो अच्छी खासी होनी चाहिए। वैसे मेरे पास यहाँ पर 36% है। तो देख सकते हैं ऑटोमेटिकली डिक्रिप्ट होने के बाद ये हमारा फोन जो है बूट हो चुका है, मतलब यहाँ पर जो रिकवरी के अंदर जा चुका है, और यहाँ पर जो फ्लैशिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं रेडमी का लोगो वगैरह आ जाता है। तो ये जो नॉर्मल सा है गाइस, आप लोगों ने इससे पहले किया होगा तो आपको पता ही होगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको वैसे अपने फ़ोन को छोड़ देना है। अब जो मैं जो गाइस जो कुछ भी यहाँ पर दिखाऊंगा सब कुछ जो फास्ट फॉरवर्ड दिखाऊंगा, क्योंकि यार यहाँ पर जो 5 से 10 मिनट आपके लगने वाले। तो यहाँ पर वीडियो में जो है सिर्फ यहाँ पर जो नहीं बोलूँगा, एकदम फास्ट फॉरवर्ड आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं हमारा फ़ोन जो सक्सेसफुली यहाँ पर बूट हो चुका है। यहाँ पर जो थोड़ी देर आपको वेट करना है, क्योंकि यार सब कुछ जो सिस्टम रिफ्रेश होती रहती है बैकग्राउंड के अंदर, तो आपको थोड़ी देर यहाँ पर वेट करना है। और यहाँ पर जो है आपको वेट करने के बाद जो आपका फ़ोन जो सक्सेसफुली यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ रिफ्रेश हो रहा है। तो यहाँ पर आपको वेट करना है गाइस, बस आपको कुछ नहीं करना। तो मैं जो फटाक से यार इसे जो D&D मोड के ऊपर डाल देता हूँ, क्योंकि यार काफ़ी लोगों के यहाँ पर जो है मैसेज वगैरह आ रहे, तो आपको डिस्टर्ब ना हो हमें वीडियो शूट करते टाइम। तो देख सकते हैं हमारा फ़ोन जो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। यहाँ पर जाकर आप लोगों को दिखा दूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं 12.5.1.0 के ऊपर जो हमारा फ़ोन सक्सेसफुली आ चुका है। और ये जो मैंने सब कुछ जो गाइस आपके सामने किया है, तो आप जो भी इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये अपडेट नहीं मिला था, सिर्फ बीटा टेस्टर पायलट टेस्टर को मिला था। तो इस मेथड से आप जो कर सकते हैं, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पब्लिक रोल आउट स्टार्ट हुआ है, तो आप जो इस मेथड से कर सकते हैं। सो गाइज अभी जो बात रही कि इसके ऊपर जो क्या कुछ आप लोगों को नए देखने को मिलेगा, नए फीचर वगैरह, बैटरी बैकअप कैसा है, तो इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर छोड़ दिए हैं। आप लोग देख सकते हैं चैनल के ऊपर जाकर, या फिर आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। मैंने जो इसके कुछ टॉप 20 न्यू फीचर के बारे में भी कवर किया है, और तो और गाइज इसका बैटरी बैकअप वगैरह किस तरीके का देखने को मिल जाता है इसके बारे में भी मैंने जो है चार्जिंग टेस्ट वगैरह सब कुछ किया है। इवन गाइज मैंने जो BGMI गेम प्ले भी यहाँ पर जो डाल दिया है आफ्टर
अपडेट की किस तरीके का हमें जो परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है, तो आप लोग वही सभी वीडियो जो है चेकआउट कर सकते हैं। आप लोगों को जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। सो यार आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि यार आप लोगों में से काफी लोग कमेंट्स कर रहे थे, इसलिए जो मैंने जो है डाउनग्रेड करके आप लोगों को दिखा दिया है। तो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, टिल देन एंड बाय बाय।